नमस्ते एवरीवन, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको कटहल की पकौड़ी बनाना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बॉस अप्लायंसेस पे डिस्कस करना चाहती हूं। तो यूजली यही होता है कि घर में जो हाउसवाइफ होती है, यदि घर का सामान आ जाता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। जैसे क्रॉकरी आ गई या कुछ अप्लायंसेस आ गए, अवन आ गया, कुछ तवे आ गए डिफरेंट टाइप के, डोसा बनाने के, इडली बनाने के, या फिर यह है ग्राइंडर आ गया, या कुछ भी है रोटी मेकर आ गया। तो ये सब बातें जो है, आपका आटा गूंदने की मशीन आ गई, ये सब जो है आपको बहुत ही मतलब काम में आपको आसानी हो जाती है, आपका टाइम सेव होता है। बस इन सब चीज़ों में बस क्लीनिंग का बहुत होता है। तो मुझे लगता है जब भी हम अप्लायंसेस बनाएं तो उसमें क्लीनिंग जो है इंक्लूड होना चाहिए, कि क्लीनिंग जो है बहुत ही अच्छे से हो जाए। अब आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उसमें क्लीनिंग नहीं हो पा रही, तो कोई फ़ायदा नहीं। मुझे वही लगता है, आटा गूंदने की मशीन है, यदि वो साफ़ ना हो तो क्या होगा, क्योंकि आटा जो होता है थोड़ी देर भी छोड़ दें तो काफ़ी जम जाता है। तो अभी जो है मेरे पास डिशवॉशर था बॉस कंपनी का, और मुझे बॉस अप्लायंसेस बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है। तो अभी रिसेंटली हमने वॉशिंग मशीन भी ली थी, अभी उसको 1-2 साल हो गया है। अभी जो है हमने ग्राइंडर भी लिया है, और ग्राइंडर बहुत अच्छा है, लुक्स वाइज वेरी गुड, और जो है उसमें नीचे जो है अडेसिव फिक्सर्स लगे हुए हैं, जिससे कि वो मूव नहीं करती है मिक्सी, और आप जितनी भी हाई स्पीड पर उसको रोटेट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी जार्स हैं, अभी तो मैं डिफरेंट डिफरेंट उसके एप्लीकेशंस देखूंगी कि हाउ कैन आई यूज़ दैट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो बस यही रहता है कि यदि हमारे पास अप्लायंसेस अच्छे होते हैं तो काम में इंटरेस्ट आता है, आपको किचन में बोरिंग नहीं लगेगा, आपको किचन में जो है काम करना बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा समर्स का रहता है, तो यदि किचन आपका बहुत ही एरी है, बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है, तो वहाँ पर गर्मी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप फ़ैन भी लगा सकते हो, आप थोड़ा सा छोटे वाले मिनी कूलर्स भी लगा सकते हो, तो काम करने में इंटरेस्ट आता है। तो आज हम आपको बताएंगे क्यों बॉस अप्लायंसेस अच्छे होते हैं। तो अभी मेरा डिशवॉशर ख़राब हो गया, काफ़ी साल बाद ख़राब हो गया, 10-12 साल के बाद ख़राब हो, उसका कार्ड जो है जल गया, तो इसका कार्ड हमने चेंज कराया। तो मैं देख रही हूँ कि जो प्रोग्रामिंग थी इको मोड की, ऑटो मोड की, उसमें टाइमिंग्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो ये किस तरह से डिवाइसेस वर्क करती हैं, उसमें कितना वोल्टेज होता है, ये सब देखना पड़ता है, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अभी मेरा मुझे लगता है मैं इसमें पढ़ूँ कैसे ये फंक्शन करता है, या कोई मुझे बताए, या कोई ऐसे वीडियो अवेलेबल हो तो उसमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ, तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे कुछ भी, किसी भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, कुछ भी उसमें लिखा है या बताया जा रहा है, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यदि वीडियो के थ्रू बताएं तो बहुत ही ईजी हो जाता है, और यदि आप उसको पढ़ते हैं तो भी वो आसान ही रहता है, तो उसमें यदि क्लियर बिल्कुल लिखा हो तो सारी बातें जो है समझ में आ जाती हैं। तो आज मदर्स डे पे जो है मैंने कटहल की पकौड़ी बनाई है, और कटहल जो है पका कटहल होता है, पका इन द सेंस कि थोड़ा सा कच्चा ही होता है, बट थोड़ा सा वो थोड़ा सा काफ़ी टाइम का हो जाता है, तो उसकी सब्जी बनती है, या पुलाव बना लो, या जो है कटहली जो होती जो काफ़ी पकी नहीं होती, बहुत ही अर्ली स्टेज पे यदि आप कटहल को तोड़ लें तो उसको कटहली कहते हैं, और मुझे कटहली बहुत पसंद है। उसकी जो सब्जियां बनती हैं, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नॉनवेज पसंद है, बट वो नॉनवेज लुक्स मतलब आपको लुक आएगा आपको जब आप कटहली यूज़ करोगे, तो कटहली की सब्जी का टेस्ट जो होता है वो पके हुए कटहल से ज़्यादा अच्छा होता है। और जो कटहली है, और जैसे आपने 3-4 मंगा के रख लीजिए, आप कच्ची होती पूरी, आप उसको कटा हुआ मत मंगाइए, तो आप आराम से जो है 1-2 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो, और जब चाहे आप बना सकते हैं। ये कटहल को काटना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए जो है आप क्या करिए, ऑयल यूज़ करिए, वरना हाथों में उसमें से एक वाइट सब्सटेंस जो सिक्रीट होता है जो हाथों में चिपक जाता है, इवन कि वो नाइफ पे भी चिपक जाता है, और जब आप उसको कट करते हो तो उसमें से काफ़ी निकलता है, तो प्लेट्स में भी चिपक जाता है, तो उसको वॉश करना, उसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप जो है ऑयल यूज़ करेंगे तो आप टिश्यू पेपर से, नैपकिन से जो है आप उसको क्लीन कर सकते हैं, या कोई भी आप ले सकते हैं किचन रोल वगैरह से, तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत टफ़ होता है, आप उसको पहले तो उसका छिलका छीलिए, तो उसके बाद उसको जैसा शेप आपको देना है तो आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। यदि आपको सब्जी बनानी है, आप जैसे सपोज़ दैट मैंने अभी
दो कटहल काटे हैं, अब इसको मैं बॉईल करके रख दूंगी तो थोड़ी आधी मैं पकौड़ियाँ बना लूंगी और थोड़ा रख दूंगी, फिर शाम को सब्ज़ी भी बन सकती है, नेक्स्ट डे आप सब्ज़ी बना सकते हो यदि आप फ्रिज में रख लो। तो यूज़ुअली फ्रेश ही बनाते हैं, तो आप जो है शाम के टाइम पकौड़ियाँ खा सकते हैं, लंच में आप सब्ज़ी बना लीजिए। तो इस तरह से रहता है, कटहल की पकौड़ी में यदि आप चावल का आटा डाल दीजिए या पकौड़ियों में, या आरा रोट डाल दीजिए, कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, तो इससे बेसन में जो है क्रिस्पी सा हो जाता है, उसका पेस्ट काफ़ी थिक हो जाता है। अदरवाइज़ जो है बेसन जो है वो जो तेल होता है उसमें वो अलग अलग सा होने लग जाता है, और उसमें तेल जो है बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप चावल का आटा है कॉर्नफ्लावर डालते हो तो वहाँ एब्जॉर्प्शन जो है ऑयल का जो है वो कम हो जाता है। तो अभी हम कटहल को काट लेंगे, फिर उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे पानी के साथ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिप करेंगे और 3-4 सीटियाँ दे देंगे। और आप उसको वैसे भी कर सकते हो कि किसी आप छलनी में उसको रख के नीचे बॉइलिंग वाटर के थ्रू भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कुकर में बॉयल कर सकते हो। और बॉयल होने के बाद आप चेक कर लो कि वो पका है कि नहीं पका है, क्योंकि थोड़ा सा ये कटहल जो होता है बादी भी होता है, यदि आप थोड़ा कच्चा खाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होने लग जाता है। तो आप ऐसा करो कि उसको जो है बॉयल कर लीजिए और आप फिर उसको यूज़ करिए तो बहुत अच्छा रहता है। और जब तक ये बॉयल होगा तब तक हम जो है बेसन का पेस्ट बना लेंगे। तो बेसन वगैरह जब भी आप इसको डिसॉल्व करिए वाटर में, तो मैंने हमेशा पहले के वीडियोस में बनाया, उसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए, इससे काफ़ी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं और बेसन जो है कम्प्लीटली मिसेबल हो जाता है वाटर के साथ में, और आप उसको अच्छे से घुल जाता है, और अदरवाइज़ उसमें गांठ पड़ जाती है। आप उसमें पानी डाल के आराम से उसको मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और तब तक प्रिपरेशन करिए। बीच में आप चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, तो आजकल समर्स हैं, कच्चे आम आ रहे हैं, और समर सीज़न में जो है आप आम का पना भी पी सकते हैं। आप उस चटनी को थोड़ा डाइल्यूट भी कर सकते हैं, एज अ पना यूज़ कर सकते हैं और पकौड़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कच्चे आम को काट लिया है, उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना नहीं है तो धनिया डाल दीजिए, थोड़ा हरा हरा सा हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। उसमें थोड़ा सा गुड़ आप अलग से डिसॉल्व करके रख लीजिए पानी में, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको ग्राइंडर में डालेंगे तो वो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर जो है उसमें हरी मिर्च डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं, और फिर आपका जो है उसको अच्छे से महीन जो है पीस लीजिए, और जो है इस तरह से चटनी बन जाती है। और कटहल की पकौड़ियाँ जो हैं आम की चटनी के साथ ही अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू टमाटर की चटनी के साथ में। फिर क्या करेंगे कि जो ये जो मैंने कटहल काटा है उसको मैंने राउंड पीसेस में काटा है, इससे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आप इसको बेसन के पेस्ट में लेके आप उसको ऑयल में डाल दीजिए, और यूजली उसके पास में ही रखते हैं जहाँ पे कढ़ाई होती है, अदरवाइज़ क्या होता है कि बेसन जो है गिर जाता है गैस पे तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो क्लीनिंग में प्रॉब्लम आता है। तो आप बगल में ही रखिए और उसको जो है ऑयल में आप तल लीजिए। तो यूजली ऑयल जो है आप बहुत ही हाई फ्लेम पे मत रखिए, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल होता है। आप जो है थोड़ा सा मिर्च से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और फिर जो है उसको पकाएंगे। तो यूजली ऑलरेडी हमने उसे बॉयल किया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आप कच्चा रहता तब ये रहता सिम पे आप थोड़ा सा पकने दीजिए, तो अभी तो ऑलरेडी ये पका हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा बस हम देखेंगे कि बेसन का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा रेडिश या आप कह सकते हो थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो सा हो जाता है और काफ़ी कुरकुरा सा लगने लगता है देखने में, कि हाँ पकौड़ियाँ तैयार हो गई, तब आप उसको अलग कर सकते हैं और फिर उसको आप जो है नैपकिन में रख लीजिए या किचन रोल में आप रख लीजिए, और उससे क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है, फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो यूजली ये कहा जाता है कि ऑयली चीज़ें मत खाइए, ऐसा नहीं है। आप खाने में जो है बहुत ही प्योरिटी रखिए, और इवन कि महाशिव महापुराण में बताया गया जो राजसिक फूड होते हैं वो भी गरिष्ठ भोजन को भी पचाया जा सकता है, यदि आप आध्यात्मिक पाथ पे हैं या आप कह सकते हो आप भक्ति मार्ग पे भी हैं तो आप गरिष्ठ भोजन को भी पका सकते हैं। तो ये भगवान शिव का जो है आशीर्वाद होता है, और इसमें आप गरिष्ठ भोजन तो यूजली देखिए, अब आपने सुबह पकौड़ियाँ खा ली, फिर आपने दिन में खा लिया, फिर रात में खा लिया, ऐसा मत करिए। आप पकौड़ियाँ बहुत हैवी होती हैं, आप खा लीजिए फिर 4-6 घंटे आप गैप दे दीजिए,
इससे कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और जो है बस ये रहता है कि लगातार मत खाइए। अब जैसे एक दिन खा लिया, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक दो महीने का गैप कर दीजिए, 2 वीक्स का कर सकते हैं, इस तरह से करके खाइए तो कभी आपको कभी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका टेस्ट भी मेंटेन रहेगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो रॉ ऑयल है वो ठीक होना चाहिए, तो यूजली जो है सरसों का तेल तो अच्छा ही होता है। अब कैसे बनाते हैं ये तो मैंने देखा नहीं है, तो अब तो यूजली हम मार्केट से ही मंगा लेते हैं तो अच्छा ही होगा। कच्ची धानी का तेल जो है बहुत अच्छा होता है और जो है उसमें पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं, तो यूजली जो है रिफ़ाइंड में हम नहीं बनाते। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिफ़ाइंड में बनाई जाती हैं, अदरवाइज़ पकौड़ी वगैरह जो है ऑयल में ही बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप लोग भी बनाइए कटहल की पकौड़ी और खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। तो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। और घर में कुछ कुछ बनता रहता है तो बच्चे भी खुश रहते हैं और हम भी कुछ अच्छा खाते तो हम भी खुश रहते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।